हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज के सबटाइटल का यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ही बोल रहा है, मैंने उसे हल्के में ले लिया था। आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, यानी मैंने उसे हल्के में ले लिया। सो फ्रेंड, हल्के में लेने का मतलब कि सामने वाले की कोई इज्जत मत समझना, उसे गिरा हुआ समझना, उसे बहुत हल्के में ले लेना। तो यहां पे कह रहा है मैंने उसे हल्के में ले लिया था, आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, लेकिन मैं ये गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। बट आई वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। क्या तुम हमेशा से जानते थे? तो जब भी हम किसी इस तरीके से पूछना चाहते तो हम बोलेंगे डिड यू ऑलवेज नो, क्या तुम हमेशा से जानते थे? डिड यू ऑलवेज नो, यहां पर इसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं जीत सकते, लड़ते रहना बेकार है। यू कांट फाइट, इट इज पॉइंटलेस टू कीप फाइटिंग। यू कांट विन, इट इज पॉइंटलेस टू कीप फाइटिंग। तुम नहीं जीत सकते, लड़ते रहना बेकार है। यू कांट विन, इट इज पॉइंटलेस टू कीप फाइटिंग। यहां पे पूछ रहा है हमारे पास कितना समय बचा है, हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। हमारे पास कितना समय बचा है? तो जब भी हम किसी से पूछना चाहते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है, हम यूज करेंगे हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। तो कह रहा है तुम क्यों जानना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू नो। यह कह रहा है बताओ ना कितना समय बचा है हमारे पास, जस्ट टेल मी हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट। बताओ ना हमारे पास कितना समय बचा है। कह रहा है वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट। तो जब भी हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 20 मिनट बचे हैं, या जितने भी कहना चाहते हैं, 20 मिनट की बात चल रही है, तो हम बोलेंगे वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट, यानी हमारे पास 20 मिनट बचे हैं। वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, यानी आई हैव टू गो। लेकिन क्यों पूछ रहा है, बट वाई, मैं हर चीज़ तुम्हें क्यों बताऊँ, व्हाई डू आई टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें हर चीज़ क्यों बताऊँ, व्हाई डू आई टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि हम दोस्त हैं, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि हम दोस्त हैं, दोस्त होने के नाते मेरा पूछने का अधिकार है, एज अ फ्रेंड। ये कह रहा है एंड एज अ फ्रेंड आई हैव राइट टू आस्क। तो फ्रेंड, यहाँ राइट का मतलब अधिकार से है। तो कह रहा है एंड एज अ फ्रेंड, और दोस्त होने के नाते आई हैव राइट टू आस्क, ये कह रहा है ना, बिकॉज वी आर फ्रेंड, इससे पूछ रहा है कि मैं तुम्हें हर चीज़ क्यों बताऊँ, वाई डू आई टेल यू एवरीथिंग। ये कह रहा है बिकॉज वी आर फ्रेंड, क्योंकि हम दोस्त हैं, एंड एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते आई हैव राइट टू आस्क, मेरा पूछने का अधिकार है। देखो मैं जल्दी में हूँ, लुक आई एम इन हरी, देखो मैं जल्दी में हूँ, मुझे वहाँ समय पे जाना। ये कह रहा है मुझे वहाँ समय पे जाना या पहुँचना होगा। आई हैव टू गेट देयर ऑन टाइम, यानी मुझे वहाँ समय पर पहुँचना होगा। आई हैव टू गेट देयर ऑन टाइम, I'll tell you later, ये कह रहा है मैं मुसीबत में हूँ, I'm in trouble, मैं मुसीबत में हूँ, यानी आई एम इन अ ट्रबल, और तुम ही मदद कर सकते हो। एंड यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प, ये कह रहा है मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन ट्रबल, एंड यू आर द ओनली वन हु कुड हेल्प, और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कांट हेल्प यू। क्या किसी ने बदतमीजी की? डिड समवन मिसबिहेव, डोंट माइंड देम, उनकी फिक्र मत करो। सो फ्रेंड, यहाँ पे डोंट माइंड का इसलिए हुआ है फिक्र के लिए कि इसे किसी काम करने को दिया था कि काम करो, तो कह रहा है कि वे लोग क्या कहेंगे, यानी वे इसे रोक देंगे, तो कह रहा है तुम उनकी फिक्र मत करो। डोंट माइंड देम, तुम्हें अभी, ये कह रहा है तुम्हें अभी नहीं पता होगा मैं कौन हूँ। You may not know who am I now, ये कह रहा है तुम्हें अभी नहीं पता होगा मैं कौन हूँ। You may not know who I am now, तुम्हें अभी नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। बट यू विल अंडरस्टैंड सो सून। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये जेल में बंद है और ये जेल का डॉन है, तो नया लड़का आया है, तो इससे कह रहा है कि यू मे नॉट नो हु आई एम नाउ, तुम्हें अभी नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, बट यू विल अंडरस्टैंड सो सून, लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। Listen, I don't care who you are, ये कह रहा है सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। Listen, I don't care
हु यू आर, आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो, और मैं तो जानना भी नहीं चाहता, एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो, और मैं तो जानना भी नहीं चाहता, एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो, सो गो टू हेल, तो भाड़ में जाओ. सो गो टू हेल यानी तो भाड़ में जाओ. नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है खामोश रहने का यहाँ विकल्प नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं है. कीपिंग क्वाइट इज नॉट एन ऑप्शन हेयर, कीपिंग क्वाइट इज नॉट एन ऑप्शन हेयर, खामोश रहने का यहाँ विकल्प नहीं है. अब तुम पूरी तरीके से अपने बलबूते पर हो, जो कह रहा है मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम इस जेल में पूरी तरीके से अपने बलबूते पर हो. यू आर ऑन योर ओन, ये कह रहा है नाउ यू आर ऑन योर ओन, अब तुम पूरी तरीके से अपने बलबूते पर हो. जब भी आप किससे कहना चाहते हो किसी ऐसी सिचुएशन में सामने वाला बंदा कि आप तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, अब आप कह रहे हो कि अब तुम अपने ऊपर ही हो, यानी जो करो अब तुम पूरी तरीके से अपने ऊपर ही डिपेंड हो. तो यहाँ पे कह रहा है नाउ यू आर ऑन योर ओन, यानी अब पूरी तरीके से तुम अपने बलबूते पर हो. ये कह रहा है जो तुमने मेरे लिए किया मैं उसकी सराहना करता हूँ, यानी तारीफ करता हूँ जो तुमने मेरे लिए किया. अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ ऐसा काम करता है, अगर आप उसकी सराहना करना चाहते हो, उसको शुक्रिया एक तरीके से शुक्रिया बोलना चाहते हो, तो आप कह सकते हो आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी, आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी, जो तुमने मेरे लिए किया मैं उसकी सराहना करता हूँ, उसकी अप्रिसिएशन करता हूँ, यानी अप्रिशिएट करता हूँ. आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर मी, ये कह रहा है बात ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता. इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, बात ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, आई जस्ट डोंट ट्रस्ट एनीबडी, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता. आई जस्ट डोंट ट्रस्ट एनीबडी, मैं बस किसी पर भी भरोसा नहीं करता. आज तुमने स्थिति को अच्छे से संभाला, ये कह रहा है यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेल टूडे, यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेल टूडे. तो सिचुएशन बिगड़ चुकी थी, इसके लड़के ने बहुत अच्छे से संभाली, तो उसकी तारीफ करते हुए कह रहा है यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेल टूडे, तुमने आज स्थिति को अच्छे से संभाला. ये कह रहा है मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है. आई नो आई ओ अलोट टू यू, कह रहा है मैं जानता हूँ मुझ पर तुम्हारा बहुत एहसान है, लेकिन मैं तुम्हारी अब और मदद नहीं कर सकता. बट आई कांट हेल्प यू एनी मोर, लेकिन मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता. बट आई कांट हेल्प यू एनी मोर. सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही. ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. सो फ्रेंड, आज की वीडियो में जितने भी सेंटेंस हैं ये हमारी पुरानी वीडियो के हैं. सो फ्रेंड, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उस वीडियो को, तो शायद बहुत ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिपीट किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सेंटेंस काफ़ी यूज़फुल हैं. सो फ्रेंड, इसीलिए मैंने रिपीट किए हैं, लेकिन मैंने उन वीडियो के सारे सेंटेंस नहीं लिए, आप उन वीडियो को देख सकते हो दोबारा से, उसमें और भी नए नए सेंटेंस हैं. सो फ्रेंड, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसे लगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड.